ओके एक बंदा और नॉक पड़ा है। अरे भाई सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन एक ब्रांड नई वीडियो के अंदर सभी को वेलकम। आज का जो वीडियो है डुओ गेम प्ले के ऊपर रहने वाला है। अपने साथ एक प्लेयर है जो कि अच्छे सर्वाइवर है, बाकी पीक के ऊपर हम लोग लैंडिंग करने वाले हैं, लूट करके मिलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना, बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और लॉबी की बात करें तो अभी तकरीबन 10,000 प्लस ग्रैंड मास्टर लॉबी है, तो भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है एंड में आप लोगों के लिए दिखती है। चलो यहाँ पे एक बंदा है भाई जिसके फुटस्टेप काफी टाइम से आ रहे थे, बट ये बंदा भाई छुप रहा था, कभी इस साइड कभी उस साइड। हमारे पास है भाई बैजन शॉट में, इसको जाके फेलते हैं। और भाई लिटरली ये बंदा ले जाना था, इसने ले लिया एक मोमो को, यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दिया। ये बंदा कैंपिंग कर रहा था ऊपर से भाई, इसके पास पुजून थी, आई थिंक टीममेट भी इसका आ रहा है क्योंकि अभी एक साउंड आया है जो के वो छोटे वाला। यार नॉट हैरी को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश देने के बाद एक और बंदा भाई फुट से आ रहे हैं अगेन, आई थिंक इसका टीममेट होगा, वो अलग स्क्वाड की करेगी शायद, ये पिटेगा भाई। ओके आई थिंक ये वाला बंदा रिवाइव के लिए भाग चुका है क्योंकि इसका हम लोगों ने डुओ मारा है, तो इसकी पहली ट्राई यही होगी कि रिवाइव करा दे। ये अच्छी बात है भाई, अगर एक बंदा मर जाए तो सबसे पहले रिवाइव पे फोकस करना चाहिए, बट हम लोग इसको नहीं छोड़ने वाले, जितने जितनी दफा मर्जी रिवाइव करा दे। इस लॉबी में ग्रैंड भाई जीएम भाई हैकर है ना, तो फिर छोड़ दिया करो भाई वो गेम, क्योंकि मरना तो आप लोगों ने वैसे भी है, बस ये टाइम और जगह डिसाइड कर लिया करो किस जगह मरना और कब मरना है, क्योंकि अगर आप लोग जल्दी सामने आ जाते तो अर्ली आपका स्क्वाड फिनिश हो जाना है डुओ या स्क्वाड। लैली एक्स मोमो का यहाँ पे एक किल है जिसको हम लोगों ने अभी अभी मारा था, तो उसके टीममेट ने ऑब्वियसली बात है उसको भी रिवाइव करा दिया होगा। ओके एक बंदा और नॉट हैवरी, ये वही था जिसको अभी अभी मैंने मारा था, बट ये रिवाइव होके आ गया था, मैंने बोला था ना इसके टीममेट भाग गया है, तो भाग के इसने रिवाइव कराया किया। और इसका टीममेट ही इधर ही, अगर आप लोग स्कैनर में चेक करो तो ये रहा M10 है, तो भाई पिटेगा अगर शॉट में आया तो। वैसे भी भाई इसका तो तय है भाई, अगर ये जीएम भाई से पंगा लेगा तो भी पिटेगा, रश के लिए आएगा तो भी पिटेगा, पिटना भाई तय है इसका। यार नाट सकुआ ना पता नहीं कुछ इस तरीके का नाम, और इसको भी काफी अच्छा शॉट दिया भाई। इसके तहत हम लोगों ने 4 किल डन कर ली। M10 है भाई लेवल 6 है, 2 गोली है तो आराम से भाई बहुत डैमेज पड़ता है, पिस्ट वगैरह तो फट जाती है, अगर 4 की ना हो तो वेस्ट आराम से भाई बंदे मर जाते हैं। बाकी 4 डन है भाई, अपने 31 किल अलाइव है और लॉबी अभी भाई बिल्कुल रिवाइव होगी क्योंकि एक मरता है तो दूसरा रिवाइव करता है, इन लोगों ने गलती करी कि दोनों राश के लिए आ गए। ओके जिप लाइन पकड़ के हम लोग नीचे की साइड चलते हैं। ओ हो एक स्कैनर में शो हो रहा था। ये अभी जेरी भाई सब लैंड कर रहे हैं और सीधा रश पे आ गए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई, रश के लिए आए तो फिट गए। नीचे बंदा ये वुकोंग बन के भाई लग रहा था कि इसको हमने नहीं देखा, बट भाई हमारी ईगल की तरह आए थे। यार DMT अलीशा, ये टिकटॉकर थे नहीं आए थे कुछ इस तरीके का मुझे लग रहा है एक नाम था, वो तो शायद रीजन में भी है, बाद में चेक करेंगे अगर रीजन में है तो भाई उसका भी वीडियो डालेंगे। ओके एक और डुओ आ रहा है आई थिंक गाड़ी पे उतरा भाई, इतने में तो मर जाना चाहिए भाई, उसके बाद भी डुओ जाए। अच्छा शॉट एक और किया, होए 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 दूसरे को आई थिंक किसी और ने मार दिया है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा रश हो चुका है, आगे पीछे बैक साइड हाथ साइड से भी पड़ रही है, मेडिकेट लगाने दे। चलो अरे भाई ये गलत सीन है भाई, ये चीटिंग है भाई, किस किस साइड से और अलहदा अलहदा टू दवा जी, कोई गधा M2 भी चला रहा है, इसके काम चेक करो वो भी डबल, ये पिटेगा अगर हम लोग आप रिवाइव हो गया ना सबसे पहले इसकी लेंगे।
आज कोई ना टीममेट रिवाइव करता है अपने को। ओके गाइस नीचे बंदा भाई, शॉट इसको अच्छा पड़ा है, एक आधा हेड शॉट भी पड़ा है, बट रेंज ज्यादा होने की वजह से ना उसको इतना ज्यादा डैमेज पड़ा नहीं। एक और गाड़ी लेके आ रहा है, अगर इसमें से कुछ मिलता है तो इस पर रश मार। अंदर बंदा, यार इतने में मर जा भाई, उसको फुल शॉट में पड़ी है, बहुत गंदा भाई स्क्रैकर यूज कर रहा है। 100 दफा इसने लोकेशन चेंज कर लिया, पता नहीं कैसे। चलो अफरीदी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं, अच्छा हेड शॉट इनको लगा था और इसके साथ हम लोगों के किल भी 8 हो चुके हैं, चेक कर रहे हो। एक और बंदा भाई, डैमेज अच्छा पड़ा है इसको। ऑग अपने पास 2 शिप के साथ और साथ में P90, अगर शॉट में आता है तो भाई P90 बहुत बहुत ओवर पावर कर दी गई थी पिछली अपडेट में, तो भाई इसकी लेंगे। गया, ये वही बंदा है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी से देर, ओके इसका डू अभी भी अलाइव है, थोड़ी देर पहले बात करी थी कि कोई गधा ME2 भी चला रहा था, तो ये वही वाला गधा है भाई। ME2 भी यूज करो लेकिन सामने वाले प्लेयर की मूवमेंट भी चेक कर लिया करो, किस तरह खेल रहे हैं, टीममेट को नॉक कर दिया। M10 है भाई, क्या भाई अपने सामने भाई M10 भी नहीं चला सकते, जब जीएम हैकर होना पीक हो ना, मैं अपने पीक पे खेल रहा हूँ तो आपका M10 भी फजूल है। M10 वैसे उसका था नहीं, इसने अपने को मारा था ना तो वहां से M10 अपना उठाया था, बाकी लूट वगैरह करके जोन में चलते हैं और इसको भी रिवाइव भी करा। ओके गाइस यहाँ पे लॉन्च पैड हम लोगों ने लगाया है, इस साइड भी शायद बंदे नॉक पड़ा है। और भाई फ्री के 2 किल यहाँ पे, लैबाज गेमर और कुछ इस तरीके का नाम, दूसरे को भी एक नॉक पड़ा था, दूसरा उसको रिवाइव कर रहा था। भाई चेक कर रहे हो, जितना आप लोग स्टे होल्ड करके खेलोगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, प्लस करना इजी हो जाएगा, और आपके पास अगर सर्वाइवर है तो वो तो फिर अल्लाह की बात है भाई, सर्वाइवर का होना डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आप एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर है। अगर सर्वाइवर नहीं है तो दोनों एक साथ आप लोगों ने कर लेना है शुरू के अंदर सर्वाइव, यानी कि ऐसी जगह लैंडिंग करें जहाँ से लूट वगैरह आसानी से आप लोग कर सको, कोई बंदा वगैरह वहाँ पे ना मिले। बाकी चेक करो यार यहाँ पे 12 डन है और अभी तक जो बंदों की तादाद है वो 12 ही है, क्योंकि 12 अलाइव है और 12 डन है, इनमें से कम से कम अपने 4-5 किल और मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा फिर, और प्लस तो वैसे भी मिलता है। बाकी चेक कर लो कि GM की नॉर्मल गेम के अंदर कितने किल होते हैं, ऑब्वियसली बात है ग्रैंड मास्टर लॉबी में आराम से आपको कितने किल चाहिए होते हैं, और के अंदर बंदे हैं फुल बॉडी स्प्रे भाई लगा इसको। बाकी चलते हैं और इस पे रश वगैरह मारते हैं, कुछ पड़ा है बैग में तो कंटिन्यू फेंकते हैं, अच्छा डैमेज पड़ा है 3840। अरे 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 ये गलत सीन है भाई, ऊपर से पड़ी है, इससे अच्छा निकल ही जाते हैं इस साइड से। चलो ओ भाई बहुत टाइम पे ग्लू लगी, अगर थोड़ा सा भी गलत डालते तो काम हो जाता। ये लो एक और, लो एक और, ये नॉक हो जाएगा आई थिंक। चलो मैंने बोला था ना नॉक हो जाएगा, क्योंकि इसको पहला ग्रेनेड जो हम लोगों ने मारा है ना वो ज्यादा से ज्यादा बच गया होगा, बाकी दो तो उसके सर पे लगे होंगे। दूसरे से 114 का डैमेज आया और इसके साथ 12 ही डन है अभी, वो किल मिला नहीं अपने को, एक आधा रिपेयर किट मार लेते हैं, क्योंकि भुया जो है हम लोगों ने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। लास्ट जोन गाइस 10 बंदे अलाइव, 12 किल डन है, पीछे शायद जोन में भी बंदे हैं अभी। ये आटू हो गया, ये पीसी हसनैन है पता नहीं कुछ इस तरीके का नाम। ओके एक और डैमेज, फुली बॉडी स्प्रे पड़ी है भाई, वो रिवाइव हो जाएगा, और इस साइड से भी आ रहा है। एम टेन जहर भाई, लो आई थिंक उसने लाइन मैन लगाया था, रिवाइव हो गया था, बट अपने लाइन मैन से बेचारा मर गया। 15 किल हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए है भाई, और टीममेट अभी तक हमारा, अरे 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 ये गलत सीन है भाई, ये पिटेगा। ओके एक राइट के ऊपर है और एक है लेफ्ट के ऊपर, तो आराम से बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे सबर और तसल्ली से भुया ट्राई करना है, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है, जितना देर आप सरवाइव करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, प्लस भी मिलेगा।
और यहाँ पे टीममेट ने बोला था कि एक किल मुझे देना है क्योंकि मेरा किल नहीं है, जीरो किल है। अब जीरो किल का भी लोग बोलेंगे बोट, अरे बोट नहीं है वो, तो सर्वाइवर है यार। सर्वाइवर एंड जोन में एक किल एक आना निकालते हैं, बाकी पूरी गेम सर्वाइव करके रिवाइव ही कराते हैं। ओ भाई M10 का शॉट चेक कर रहे हो, इसका अकेला ही प्लेयर बचा है, अकेले होता है तो लड़की है वो। तो मैंने टीममेट को बोला कि तुम जाके इसको किल कर लो, अगर नॉक होते हो तो मैं ट्रीटमेंट है मैं ट्रीटमेंट। ओके इसके साथ ही 16 किल के साथ आई थिंक अपना भूया हो चुके हैं। बाकी लाइक एंड शेयर मार दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय करा होगा, और इस तरह की मोर वीडियो देखने के लिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे चेक करो, वीडियो तो आ रही है उनको भी जाके वॉच कर लो, बहुत ही अच्छी है।